ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर आजकल कई प्रकार के रील्स जो हैं वो ट्रेंडिंग होते हैं, और ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग रील्स पर हमारे सितारे अपनी लाइफ सिचुएशन फिट करके दिखाने वाले हैं, और वो भी रील बनाकर, है ना ये मजेदार बात। तो चलिए देख लेते हैं। आज SBS ओरिजिनल्स पर छलकेगा एक्टर्स का दर्द, वो भी रील्स के जरिए। हर एक्टर की अपनी अलग अलग कहानी होती है जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में अपने दिल की बात कर ही देते हैं। कोई एक्स्ट्रा सीन से भागता है तो कोई पापराजी से, कोई खुशखबरी पूछने वालों से तो कोई सीरियस सिचुएशन में अपनी हंसी से। ऐसे कई कलाकारों ने रील्स बनाए जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है। ऐसे में हमने भी सितारों से बनवाए रील्स, तो सबसे पहली झलक दिखाते हैं मीत और उनकी सास से। सास बहू की ये मस्ती देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा विक्रांत सिंह और आज मैं सास बहू और साजिश के साथ हूँ, और आज हमने एक ट्रेंडिंग रील्स बनाई है। तो ट्रेंडिंग रील क्या होती है इससे तो सभी आप लोग परिचित होंगे, और जो रील हमने बनाई है उसका विषय क्या होगा वो आपको तय करना है। तो वो आप देखिएगा और तय करिएगा कि उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अजूनी पापराजी बनी हुई है और वो राजवीर की फोटो क्लिक करना चाहती है, लेकिन देखिए कैसे शोएब आगे आगे भागते हुए जा रहे हैं, वो भी पापराजी से। बड़ा मजा आया, बड़ी फनी रील थी। और हाँ, ये है पैप्स का, आई थिंक वो भी, उनका भी अपना काम है, वो अपना काम करते हैं, तो आई थिंक अच्छा ही है। पहले ऐसा होता है कि हम जब भी अंधेरी या लोखंड में जाते हैं तो हमारी गाड़ी पहचान रखी है उन सब ने, चाहे वो मर्क हो या वो हो BM हो, तो वो नंबर देख के यू नो कहीं भी अगर स्टोरी, अगर लोखंड वाला मैम कोई भी स्टोरी पोस्ट कर दें या गाड़ी देख के वो समझ जाते हैं अच्छा कोई आए हुए, तो फिर ढूंढते ढांढते हुए पहुँच जाते हैं वहाँ पे। वो भी होता है कभी कभी होता है कि आप यहाँ भी कैसे पहुँच गए, तो वो बोलते हैं मतलब आपकी गाड़ी देखी पीछे बैक रोड में पार्क है, तो हम ढूंढते ढूंढते आगे कि आप यहाँ तो हाई पॉइंट पे होंगे या भगवान कलेक्शन में होंगे या लोखंड वाला में आप शॉपिंग कर रहे होंगे। बट ठीक है, आई थिंक वो भी उनका जॉब है, वो उनका काम है, यही उनका काम है कि हर दिन में जितने हो सके TV एक्टर्स को, सेलेब्स को स्पॉट करें, तो ठीक है। शादी की जब उम्र हो जाती है तो घर वालों से लेकर बाहर वालों तक हर कोई शादी का सेहरा बंधवाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द दुल्हन बने, तो इस सिचुएशन को दोनों ने बखूबी निभाया है। लुबना सलीम और मेरा नाम है रूपम शर्मा, और हम बना रहे हैं SBS के साथ में एक ट्रेंडिंग रील जिसका नाम होना चाहिए, आप ही लोग सोच लो और कैप्शन हमें बता दो कमेंट्स में। नहीं मम्मी, कर ले। नहीं कर ले यार, कोई समझाओ मेरी मम्मी को। समझा दो, आप ही समझा दो। आपके पास है कोई ऐसा लड़का होनहार जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे सही उतरता हो? हाँ मम्मी, तब तो करा दोगी ना। पुत्र मेरे पास बहुत सारे हैं, तो हाँ बोल। हाँ चलो ठीक है। आयान और फालतू ने तो हर एक्ट्रेस के दर्द को बयां कर दिया है, और तो और हैप्पी मूड में कैसे स्ट्रेस पीछे पीछे आ जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो सिचुएशन भी श्वेता और क्रिश ने रील्स के जरिए बता दिया। एक्चुअली मैं गुड मूड बना हुआ था, मतलब मेरा बहुत हैप्पी फेस था मेरा,
पर जैसे होता कि हम बहुत हैप्पी रहते तो कभी कभी हमें लगता कि परेशानी एंग्जाइटी डिप्रेशन हमें घेर ना लेते। वही था कि मैं अपना स्माइल अपना गुड मूड बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन साथ साथ में एंग्जाइटी डिप्रेशन मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ, आई एम ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक, तो ब्लैक के साथ मैं इसके पीछे आ रही हूँ। एंग्जाइटी इसका डिप्रेशन पकड़ के रहूँगी, मतलब हमेशा गुड मूड में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। तो मैं भाग रहा हूँ उस चीज़ से कि नहीं, मैं अपने आप को गुड मूड में रखूँगा। मन तो बहुत करता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम लोग प्लान बहुत चीज़ें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे पर हमें टाइम नहीं मिल पाता, और जो हमें टाइम मिल पाता है उसमें थोड़ी एक दो रील बना देते हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टोरी है, जब सुबह 6 की शिफ्ट में हम शाम को 7 बजे ये सब शूट कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट डे सुबह उठना होता है। और हमारे या दिस कुड बी स्लीप एंड आर ईपीज कॉल, है ना, हमें कॉल आ रहा होता है सेट से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और हम उस कॉल से दूर भाग रहे होते हैं। तो मैं कॉल हूँ एंड शी इज़ द एक्टर, वेरी ट्रू, डिटो नहीं करता। मेरा पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, बट ऑडियंस को जो पसंद है वो हम ज़रूर करेंगे। हाँ, तो अभी तो मैं भी कीप अप नहीं कर पा रही हूँ ट्रेंड्स के साथ, बिकॉज इतने दिन भर शूट करते रहते हैं, पर वैसे मैं पहले बनाती थी, बट अब ऐसे देख लो आप। ये वो चीज़ें हैं कि वॉट एवर रॉक्स योर बोट, आपको जो अच्छा लगता है, इफ़ पीपल हैपन टू लाइक इट देन गुड फॉर देम। यस, सेम, इट्स फन टू डू व्हेन यू आर नॉट टायर्ड। तो ये थी झलक ट्रेंडिंग रील्स की, जहां सितारों ने मस्ती भरे अंदाज में रील्स बनाई और अपनी सिचुएशन को रील्स के जरिए प्रेजेंट किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।